गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बींग शिवालिक। आज हमारा प्लान था कि होली से जस्ट एक दो दिन पहले हमने सोचा कि थोड़ा कैंपिंग वगैरह कर लें, तो अपने फ्रेंड्स भी आए हुए थे घर, तो इस बार हम लोग अब आए हैं क्रांतेश्वर में, जो 2 से 3 किलोमीटर आगे थोड़ी बहुत ट्रैकिंग है, तो आज वहाँ पर जाएंगे और टेंट वगैरह लगाएंगे, तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं। बाकी अभी आ रहे हैं 3 बंदे अपने, पानी की व्यवस्था हो पाती है नहीं हो पाती, यहाँ है भाई पानी है, बढ़ेगी। ओ शिट, तो यहाँ पर हमें पानी बहुत दिक्कत होने वाली है। अरे वाह तिल्लू भाई, तभी तो कहते हैं डिफेंस वाले ना फौजी आदमी, पानी की धारा बढ़ा के रहेंगे का हो जाए बस यार पानी पीने को, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वह 15 लीटर पानी तो हम लाए हैं, 10 लीटर पानी और चाहिए हमें, तो इसलिए हम लोग टारगेट था कि इस धारे से भरेंगे बस, बट इस धारे में पानी इस बार आपको पता ही है जो उत्तराखंड के होंगे, इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है और गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो धारे भी सूख चुके हैं लगभग, बट पानी बढ़ा चुके हैं तिल्लू भाई आप देख सकते हैं। और बढ़िया, अपने 3 बंदे कहाँ रह गए वैसे? 3 बंदे आए नहीं, और कम से कम है अभी अपनी 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद हम लोग वहाँ ऊपर आपको पहुँचेंगे। बहुत ही शानदार लोकेशन है, काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे कि कैंपिंग की वीडियो डालेंगे करके, बट हो नहीं पाया, तो आज तो आ गए हैं अपने शांतनु भाई। तो अपने तिल्लू भाई ने धारा बढ़ा दिया, और ये क्या हो गया? सही है यार ये, अरे अल्टीमेट भाई टेक्निक हुई यार, पहाड़ी बंदा पानी नहीं आ रहा तो पहाड़ी बंदा। अबे अभी तक तो आ रहा था यार, छेड़ना नहीं चाहिए पता है कभी भी धारे को, नहीं यार लेकिन तुझे नॉलेज हो यार तू कर लेगा। ऊपर एक पत्थर रख लेना, एक पत्थर दे, पत्थर दे भाई इसको, पत्थर नहीं है। होगा अरे दादी छोड़ दे, अरे प्रभु भाई भाई कहाँ रख पत्थर बोल रहा है, ऊपर बोतल थोड़ा इसको झुका, हाँ अब रख दे पत्थर, बस हो गया। तो फिलहाल आपने देखा कि कितना कम धारा थी, और अब देख सकते हैं कि काफ़ी धारा बढ़ चुकी है तिल्लू भाई और पवन भाई के सहयोग से आराम से। हाँ यहाँ दे पहले आ जा आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तो अपना पानी भर चुका है, तो ये है फिलहाल अपना लास्ट लोकेशन जहाँ तक हम लोग बाइक में आए हैं, और यहाँ पर अपने हम लोग अपनी बाइकें खड़ी करके सीधे ऊपर क्रांतेश्वर के लिए बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता है, और यहाँ से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है जहाँ हमें जिस लोकेशन में पहुँचना है, बाकी वहाँ पहुँच के फिर अपना सेटअप वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं। काफ़ी सारा बैग, स्लीपिंग बैग, सामान काफ़ी हो गया सबके पास, फुल पावर, तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर जगह घर बनाया है इनने, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है इनकी, आप देख सकते हैं बहुत ही अल्टीमेट, पॉली हाउस भी है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर अब तक का सबसे भारी सामान मोहित उठाते हुए, 10 किलो का कट्टा और 15 केजी का जार, 25 किलो, आ तो रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई। और अपने जिम बॉय, यहाँ डिस्कशन ये हो रहा है कि 15 केजी का जो ये जा रहे अपने जिम बॉय को दिया जाए, पवन को, क्यों सबकी सब मिस्टर इंडिया को सबकी सहमति है, पवन भाई लेना चाहोगे 15 केजी? उठा ले यार, जिम में तो 100-100 केजी उठाता है तू, देख बंदे को ये टेढ़ा हो गया है। कमर झुक गई, कोई नहीं, संघर्ष का ही नाम जिंदगी है, बाकी ऊपर जाके पवन भाई ने कहा है कि ऊपर जाके मैं उठाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पवन भाई ने भी सबसे बड़ा बैग पकड़ा है, दिखाना पवन भाई एक बार ये, और 5 केजी का जार। करीब 200 मीटर 15 केजी का जार उठाने के बाद जार आ चुका है तिल्लू भाई के पास, फौजी भाई तो ऊपर तक ही टेकेगा, क्यों 15-20-25 किलो तो इसने भी उठाई लिया है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त,
पुरांस और बांस का जंगल। प्रीति जी कैसा फॉरेस्ट है ये? हाँ डार्क तो होगा अभी, ये धूप भी छन छन के आ रही है ना कतई। हाँ और ये पहले तो यहाँ पे सिर्फ पगडंडी हुआ करती थी, फिलहाल अभी बीच में कोई योजना आई होगी तो ये रोड कटवाई थी, बट उसके जस्ट बाद बारिश आई और ये रोड नाले में तब्दील हो गई और रोड का ये हाल है। बट अगर रोड पहुँच जाती है तो अच्छा ही है, जो अपने आमा बूबू लोग हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं ये चढ़ाई, तो रोड पहुँच जाती तो उन्हें भी दर्शन हो जाते। ये रोड बनाई थी, बारिश ने ऐसा कर दिया हाल। तो करीब करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद अपना पहला स्टॉप आ गया है, पहला स्टॉप। और यहाँ से जो ये वाला रास्ता है ये जाता है अपने क्रांतेश्वर महादेव मंदिर को, और ये वाला जाता है जिस लोकेशन में हमें पहुँचना है, वो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं करके। और आप देख सकते हैं यहाँ से तो व्यू आ नहीं पाएगा, पेड़ लग जा रहे हैं, बट ऊपर से आपको दिखाएंगे हम प्रॉपर। यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, एक टेंट तो ले आए, एक टेंट अपना आप क्या कहें नीचे ही बाइकों के पास छोड़ा है, करीब करीब 3 किलोमीटर नीचे चले जाओ, बाकी हम लोग ले आते हैं सामान वामान सब। जब मैं सामान ले आता हूँ तब तक हम लोग सेटअप करेंगे ना, तुम दोनों जाओ नहीं तो शांतनु और तू। मैं तो नहीं जा रहा भाई, मेरे बस की नहीं है। पवन जी को ले जाओ। फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं व्यू, काफ़ी सुंदर व्यू, बट धुंध सी हो गई है। और बाकी प्लान तो था कि वहाँ जाएं, बट वहाँ की एक स्टोरी है इस वजह से कोई जाना नहीं चाह रहा है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और डिसाइड ये हो रहा है कि हम टेंट यहाँ लगाएं या इसके उस तरफ लगाएं। तो उस तरफ शांतनु, इधर या उस तरफ? उधर, हाँ उधर लगाएंगे टेंट। चलो तो फाइनल हो गया है। और अपने तिवारी और तिल्लू भाई दोनों जो हम टेंट भुलाए थे वो लेने के लिए गए हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उन्हें और संघर्ष हमें भी करना पड़ा। ये सब सामान हम मिल गया भाई, टेंट फिर से हो रही जर्नी स्टार्ट, लग गए। तो फाइनली फिलहाल हम उस लोकेशन में बैठे थे जहाँ पहले प्लान था हमारा, बट अब हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी शानदार एकदम टॉप की जगह है। और आप देख सकते हैं ये अपने शांतनु भाई, एक फ़ोटो हो जाती है ना शांतनु भाई, मज़ा आ जाता है। यहाँ काफ़ी सही लोकेशन और सनसेट होने को है जस्ट। अपने अपने कमांडो भी आ गए हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, इसलिए मैंने कहा था टेंट जहाँ पे छूटा बंदे जाके देखो हमारे पहुँचने पहुँचने तक ले आए। ये तिवारी भाई और तिल्लू भाई, बढ़िया लोकेशन। तो यहाँ पर अपना टेंट लगेगा और यहाँ अपना खाना बनेगा, बाकी आज यहीं पर होगा। ठीक है सब। तो फिलहाल देख सकते हैं सनसेट का विंटर लाइन, काफ़ी मस्त, और थक के हालत ख़राब हो चुकी है। और अपना सेटअप हो चुका है, ये अपना 3+1 और ये 2%। तो देखते हैं अब, इसमें फ़िलहाल 3 बंदे सोएंगे, इसमें 2 ही बंदे सोएंगे, और अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, बाकी बंदे बैठे हैं, फ़ोटोशूट चल रहा है इनका काफ़ी अल्टीमेट, काफ़ी समय बाद चूल्हा बनाते हुए। तो अपना चूल्हा बनने को तैयार है और चलो ठीक है, यहाँ हवा तो नहीं लगी है, दिमाग देखो ना तिवारी जी का। वाह आप क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब, प्याज काटने लगे, चाकू वाले खुपड़ी से काट ले, चूतिया है क्या, चाकू मैं लाया, रुक जा देता हूँ। सब कुछ कट चुका है मतलब मसाले के लिए, और फिलहाल मटन बनाने की पवन भाई ने आग जला दी है, रुक जा फिलहाल, और सेटअप करने में लगे हैं कुकर रखने का, बट हो नहीं पा रहा है, चूल्हा ढंग से हमारा बना नहीं है। हो गया, अरे वाह देख, अपने टेंट के जस्ट आगे आग जल चुकी है, जो अपने रात को कैंप फायर है और यहीं पर बैठ के हम लोग खाना वाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे कैंप फायर। यहाँ पर अपने पवन भाई खाना बनाने की तैयारी में, मटन बनाने की। पवन भाई तो आज कैसा, जहरीला बनाओगे या फिर लपलपान? लपलपान जहर, इन्हें
फिलहाल अपना शुरू कर दिया कार्यक्रम और प्याज वगैरह डाल दिया है यहाँ पे काफी शानदार प्याज की इतनी हरी, वाह आप देख सकते हैं हरी मिर्च और प्याज साथ में डाल दिया पवन जी ने। फाइनली आपको अब टेस्ट करके बताएंगे और बाकी देखते रहते हैं आगे क्या रहता है और मेन फोकस ये है। गाइज गुड मॉर्निंग, काफ़ी टाइम लग गया उठने में, लेट हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और रात को अंधेरे में आपको दिखा नहीं पाए। और ये अपना टेंट वगैरह जहाँ पर मोहित भाई सब हो गया, पैकिंग हो गई।